When we give our arm, we give false things. When we give false things, then when we give our arm. अर्थात जब हम कुछ अपना देते हैं तो हम गलत देते हैं, और जब हम अपनी गलतियों को देते हैं तब हम अपना देते हैं। और इस समय हमसे क्या हो रही है, कोविड में सिर्फ गलतियां, और हम अपने को देते ही जा रहे हैं। सब चीज कहने से पहले एक चीज मैं आप लोग से कहूंगा, हम सब सभी धर्मों को मानते हैं, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, शायद किसी धर्म में मृत्यु से बचने के लिए उपाय तो नहीं बताया गया है कि मृत्यु से बचना चाहिए, ना किसी धर्म में कहा है, ज्ञान दिए गए हैं, जन्म और मृत्यु के बीच के सब ज्ञान है, लेकिन मृत्यु से बचने का ज्ञान तो नहीं, कोई धर्म नहीं। स्वास्थ्य को अच्छा रखने का, बीमारी हुई है उस बीमारी को सुधारने इसका विधान। जन्म और मरण तो ईश्वर की देन है, भगवान की देन है, ईश्वर की देन है, क्रिसमस की देन है, गुरु नानक साहब की देन है, और इन्हीं चारों की, इन सबकी ही मौत भी इन्हीं की देन है। जन्म और मौत का रचयिता तो सिर्फ वही है ना, फिर आप इतना घबरा क्यों रहे? जन्म और मृत्यु निश्चित है, वो किसी के टाले नहीं, पर जो भय जिससे हम अपना शारीरिक नुकसान और फाइनेंशियल लॉस दोनों करते हैं, भय डर। आपको शायद मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, उससे पूरी बात ही समझ आ जाए कि जब कोई इंसान शमशान में चिता को जलाता है वो एक, और सेकेंड जो व्यक्ति चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो घबरा जाता है। दोनों को आप ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल जो है उसका, ऑक्सीजन का लेवल चेक करेंगे तो पाएंगे कि जो नॉर्मल हम चाहते हैं 95-99 के बीच में, उसकी जगह जिसने चिता जलाई है उसका आपको हो सकता 60-70 के बीच में ही मिलेगा, पर उसको तो कुछ नुकसान नहीं होता। और यह ज्ञात किया गया है, यह निकाला गया है कि कई परिस्थितियों में चिता जलाने के बाद चिता जलाने व्यक्ति वाले व्यक्ति का लगभग 50% तक ऑक्सीजन लेवल पहुंच जाता है। और मनुष्य क्या है, उस समय कोई ऐसी नकारात्मक सोच नहीं लगाए रहता है कि भाई मेरी मौत, और जब हमने ये सोचा मेरी मौत तो नेगेटिव थॉट्स आ गए, हम नकारात्मक सोच करना लगी, जो हमारे माइंड है, हमारा माइंड ही देखे रावणों पच करता है, हमारा माइंड ही रामों पच करता है, हमारा माइंड ही हमें बलवान बनाता है, हमारा माइंड ही हमें नपुंसक बनाता है, विचार का खेल, सकारात्मक विचार, पॉजिटिव थॉट का खेल। तो जो मैं ऑक्सीजन लेवल का बता रहा था कि दोनों के ऑक्सीजन लेवल देखिए कि चोर का होगा वो मोर देन आपको 110 के पास पाया जाएगा, और इसका आपका लेस देन 70 पाया जाएगा, पर वो दोनों नॉर्मल होंगे। रीजन परिस्थिति के कारण उनका ऑक्सीजन लेवल था वो घटा बढ़ा। आज हम जिस परिस्थिति में, उस परिस्थिति में हमारा ऑक्सीजन जो लेवल है वो डर के कारण, भय के कारण, और जब हम मान लीजिए कि हमारा ऑक्सीजन लेवल इस समय 98 है, मैं देखता हूं कि उसके बाद शाम को वो दिख रहा है मेरे को 93, कल दिखा मेरे को 80, लीजिए ये कम क्यों हो रहा है,
ऑक्सीजन लेवल बढ़ता कैसे? आप जो प्राकृतिक की जगह सिलेंडर के द्वारा सिलेंडर की लाइन लग रही है इससे लेने, या आप ही खुद पैदा कर रहे हैं लाइन? जिस व्यक्ति को ऑक्सीजन की आवश्यकता है वो खुद व्यक्ति ही ये चीज कर रहा है कि लाइन में लगने के लिए मजबूर? आप घबरा रहे हैं, घबराहट में आपका ऑक्सीजन लेवल जो है, जब आप तैर रहे होते हैं डूबने लगते हैं उस परिस्थिति, साइंटिफिक चीज है। हम धर्म के नाम पे ज्ञान नहीं लेना चाहते, बस मूर्ख बनना चाहते। जो योग बताया गया है श्वास क्रिया के लिए बताया गया है, अगर आपका 70%, अब आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं कि जो व्यक्ति सिगरेट पीता है, यहां मैं सुन रहा हूं कि 7% आपको, एक मेरा मित्र है डॉक्टर, कल उसका फोन उसने आया तो उसने बताया कि एक व्यक्ति के 7% लंग्स, ये सोच के कारण वो व्यक्ति मर गया। एक सिगरेट पीने वाले व्यक्ति के 25-30, किसी के 20, किसी के 10% ऑलरेडी इतने इन्फेक्टेड रहते हैं। और ये सोचिए कि संसार में, हिंदुस्तान में कितने धूम्रपान करने वाले हैं बेचारे, ना खाने पीने वाले जिनको पास खाने के लिए नहीं है, वो बड़ी पी रहे होते हैं, उनके अंदर ऑक्सीजन लेवल उनका ऑलरेडी पहले से ही आपको अच्छा दिख रहा है, लेकिन जब आप फेफड़े की तरफ देखते हैं, फेफड़े का आप उनका कराइए, आपको लेस देन, आपको मोर देन 10 ही डैमेज देखेंगे, 20%, 30%, सिर्फ क्योंकि सोच के कारण, क्योंकि उसने उस विषय के विषय में सोचा ही नहीं। इस समय आप जो सिगरेट धूम्रपान करता है, आप उसे रिपोर्ट एक्सरे की दिखाएंगे, आपको तो उसे मालूम चलेगा कि मैं तो 25% 20%, वो ऑलरेडी डर जाएगा, डरेगा हमारे मस्तिष्क से जो स्राव होगा लिक्विड का, वो हमारे शरीर में काम करेगा, हमारे शरीर का ऑक्सीजन लेवल है वो कम होने लगेगा, हम और डरने लगेंगे, हमारा ऑक्सीजन लेवल और कम होने लगेगा, हम सिलेंडर बनाएंगे। हम उस डरने की जगह उस चीज को याद कर लेना कि हर धर्म ने कहा है कि जन्म और मृत्यु निश्चित है, जब मौत नहीं आती है तो आदमी के 10 गोली लगने के बाद बच जाता है, 6 से गिरने के बाद, जिसको हम कहते हैं भगवान ने बचाया, ईश्वर ने बचाया, बच गए, कैसे हो गए? क्योंकि उसकी आयु नहीं थी, उसका समय नहीं था। भगवान से प्रार्थना करिए, ईश्वर से, अल्लाह से, गुरुद्वारे में जाइए, सबसे प्रार्थना करिए, ये सब खत्म हो, बीमारी खत्म हो, भय नहीं करिए, प्लीज डोंट बी अफ्रेड। मैं फिर अपनी, जहां से मैंने चालू किया था उसी लाइन में खत्म करूंगा। When we give false things, we give our all। जब हम अपनी गलतियों को देखें तब हम अपना बचेंगे।